दशरथ अजर बिहारी, तेरी सम नहीं करी वर, लवा की बाज समान, प्रभु सेवक में जानहूं, मानहूं वचन प्रमाण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीता राम। सेवक सुख चह मान भिखारी, वैसनी धन सुख गति भविचारी, लोभी यश चह चारु गुमानी, नभ दुही दूत चहत ये प्राणी, सुनी फिर राम निकट सौ आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुरे पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरी, जोत्रिन तोरी लाज परी हरी, तब खिसे आन राम पर गई, रूप भयंकर प्रगटित भई, मिथुरे केशर दन विकराला, भ्रकुटि कुटिल करन लगे गाला, सीते ही साध देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई, अनुज राम मन की गति जानी, उठे रिसाए सो सुनहु भवानी, लक्ष्मण अति लागव तो है, नाक कीन बिनु कीन, ताके कर रावण कहूं, मनहु चुनौती दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीता राम। नाक कान बिन भय विकरारा, जन श्रव शैल गेरु के धारा, खर दूषण पह गई विल खाता, धिक धिक तब वल पौरश भ्राता, तेही पूछा सब कह सिख जाई, या तू धान सुनी सैन बुलाई, चौदह सहस सुभग संगनी ने, जिन सपने रन पीठ न दीने, धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपक्ष का जल गिरी था, नाना वाहन नाना कारा, नाना आयुध धरे घर अपारा, श्याम घटा देखत नभ तेरी, तहवा सब धनु मन उजेरी, श्रूप नख ही आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति ना सारीनी, निज निज बल सब मिल कही एक सुनाए, बाजन बाज जो छाऊती, हर्ष नहृदय समाए, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, सीता राम करो कल्याण सीता राम। सुगन अमित होई वैकारी, गनहीन अमित विवस सब जारी, घर जही तर जही गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हर शाही, ओ कह जियत धरौ दो भाई, धरी मारहुं तिय लेहु छुड़ाई, कह सुन सत हम कही, कानन फिर ही वीर कौर, एक कहा मस्त हम रहूं, खर के आगे अस जन कहूं, बहुविध कहत वचन रण धीरा, आय सकल जा रघुरा।
आश्चर्य कटक भयंकर रहो सजग सुनी प्रभु की वाणी चल सहित सिय शर धनु पानी देख राम रिपु दल चढ़ियावा ऐसे ही कठिन को दंड चढ़ावा को दंड कठिन चढ़ाए प्रभु शिर यटावा धत सोह के मरकत शैल पर लसत दामिनी कोटि सयुग भुजग जयो कटि कसि निशंग विशाल भुज गई छाप विशिख सुधारी के चितवत मनहु मेघराज प्रभु गज राज घटाने हारी के आए गए बग में धरु धरु धाए सुभट यथा विलोक अके बाल रवहि घेरत धनुज घेर रहे निश्चर समुदाई तंडक खग मृग चले पराई प्रभु विलोक शर सक ही न डारी थकित भये प्रभु रूप निहारी सचिव बोले बोले खुर दूषण यह कोई निप बालक नर भूषण सुर नर नाग असुर मुनि जेते देखे सुने हति हम केते हम भरे जन्म सुनहि सब भाई देख नहीं असि सुंदर ताई यद्यपि भगनी कीन करूपा मद लायक नहीं परशुनुपा देखे तुरत निज नार दुराई जीवत भवन जाए गौ भाई और कहा तुम ताहि सुनावहु दासु वचन सुनिया तर आवहु भय काल वश मूर सब नहीं जानहि रघुवीर मशक फूक किमि मेरुड़ सुनहु गरुड़ मति धीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम तू तन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई आज भयो वड़ भाग्य हमारा तुमरे प्रभु अस कीन विचारा हम क्षत्रिय मृग अवन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देख नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही यद्यपि मनुज तनुज कुल घालक मुनि पालक खल शालक बालक जो न होई बल धर फिर जाऊं समर विमुख मैं हत न काहूं रन चढ़ी करिए कपट चतुराई रूप पर कृपा परम करराई तू तन जाए तुरत अस कहियो सुनि खर दूषण उरे अति नरयो उरे दयो के होके धरियो दावहु विकट भट रजनी चरा शर चाप तो मर शक्ति शूल कृपाण परिध परशु धरा प्रभु कीन धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय वधिर व्याकुल जातु धान ना ज्ञान तेहि अब सर रहा सावधान होई धायो जान सबल आराती लागे वर्षन राम पर
श्रवण लगी मुनि छाड़े निज तीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम तब चले वान कराल फुंकरत जन बहु समर श्री राम चले विशक निशत निकाम अब लोक खर तर तीर मुरि चले निश्चर वीर एक एक कहना संभार कर तात भात पुकार कोई कह खर का की पुनीन के बड़ भाग तरन चही प्रभु शर लगे बिना योग जप जाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम आयुध अनेक सन्मुख ते करे प्रहार रिपु परम कोप जानी प्रभु धनुष कर संधान छाड़े विपुल नारा लग कटन विकट पिशाच उर शीश कर भुज चरण चिकरत लागत बान धर परत कुधर सामान भट कटत तनुषत खंग हुनि उठत करी पाखंड नवरत बहुभुज मुन बिनु मौलि धावत रुंड खग कंक काक श्रृंगार कट कट ही कठिन करार कट कट ही जम्बक भूत पे पिशाच खा पर साजही नताल वीर कपाल ताल न जाए जोगन नाचही रघुवीर वान पचन खंडे बटन के उर भुज शिरा तह जल परी उठ करही धरु धरु करही व्यं कर गिरा अंताली वील उड़ही गीत पेशाच कर गहे धावही संग्राम पुरवासी मनहू बहु पाल गुड़े उड़ावही मारे पशारे उर विदारे विपुल भटक रत परे अवलोकि निज दल विकट भट त्रे शार देख दूषण फिरे शर शक्ति तोमर परशुशूल कृपान कही पारे ही करि कोप श्री रघुवीर पर अग नित निशाचर डारही प्रभु निमिष मेहर पु शर निवार प्रचार डारे साए का दश दश वशिष और मांझ मारे सकल निश्चर नायका मह
परत पुनी उठी नरत मरत न करत माया उती घनी सुर डरत चौदस सहस निश्चर देखी एक कौशल धनी सुर मुनि साध प्रभु देख माया नाथ अति कौतिक करो देखी परस पर राम करी संग राम रिपुदल रि मरो राम राम कह तन तजही पावही पद निर्वाण कर पाए कुमार छन मही कृपा निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता हर्षित वर्ष ही सुमन सुर बाजे ही गगन निशान स्तुति करी करी सुर चले शोभित विवध विमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता जैसे सिंह के समान हाथी नहीं होता चिड़िया बाज के समान नहीं होती ऐसा ही मुझको प्रभु का सेवक जानकर वचन प्राण जान मुझे तेरे साथ विवाह करने की क्षमता नहीं है। सेवक सुख व भिखारी मान चाहे व्यसनी धन व्यवचारी उत्तम गति और लोभी यश चाहे गुमानी शोभा की इच्छा करे ये सब प्राणी आकाश का दोहन कर मानो दूध निकालना चाहते हैं। वह लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के निकट लौट आए। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने कहा कि तुझको तो वही भरेगा जो लज्जा को तिन के समान तोड़ देगा। तब वह खिसिया कर श्री रामचंद्र जी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। उसके बाल बिखरे हुए थे और विकराल दांत टेढ़ी भौहें गाल तक लंबे बड़े बड़े कान थे। तब सीता जी को डरी देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से संकेत में कुछ समझाकर कहा सो हे पार्वती सुनो लक्ष्मी जी। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के मन की गति देखकर तत्काल क्रोधित होकर उठ खड़े। लक्ष्मण जी ने क्रोध से ही उसको बिना नाक कान का कर दिया अर्थात उसके नाक कान काट डाले मानो उसके हाथ उन्होंने रावण को चुनौती दी। वह नाक कान के बिना विकराल हो गई मानो पहाड़ में गेरू की धारा बह रही थी। वह विलखती हुई कर्दूषण के पास गई और बोली कि हे भाई तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। तब वह कर्दूषण के पूछने पर श्रुक नखा ने उसे सारा हाल कह दिया। फिर तो वह 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध की पीठ नहीं दिखाई थी। तब राक्षसों के समूह को ऐसा दौड़ पड़े मानो पंखों समेत झुंड के झुंड कचल के पहाड़ हो। ये तरह तरह के वेश और तरह तरह के अपार हथियार धारण किए हुए थे। उन निशाचरों के आने से आकाश में श्याम घटा सी घिर गई। अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र से मानो इंद्रधनुष प्रकट हो गया। आगे आगे अमंगल रूप नाकहीन शूर्प नखा को कर लिया। अपना अपना बल सब राक्षस मिलकर एक दूसरे को कहकर सुनाते हैं जो झाऊ बाजे बजने लगे। हृदय प्रसन्नता से भर गया जो मन में नहीं समाता। अनेक प्रकार के भयानक स्वप्न होने लगे किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस परवाह ना करते थे। वह गरजते चिल्लाते हुए आकाश में उड़कर सैनिक वीरों को देखकर योद्धा लोग बहुत प्रसन्न होते थे। कोई कहता है कि जीते ही दोनों भाइयों को पकड़ लो और मारो तथा स्त्री को छीन लो। कोई कहता है सुनो हम सत्य कहते हैं ये वन में घुस रहे हैं अंत अवश्य ही कोई वीर है। एक राक्षस बोला चुप हो जाओ ये राक्षस खर के आगे ऐसा मत कहो वह सब रणधीर है। इस प्रकार के अनेक वचन कहते हुए श्री रामचंद्र जी थे वही आ गए। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर पहाड़ की कंदरा में चले जाओ क्योंकि अब राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची है। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता सहित चल दिए। इधर जब राजा
राम जी ने देखा कि शत्रु की सेना आ पहुंची तो श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और सिर पर जटाजूट फांते हुए ऐसे शोभायमान हुए मानो नील कमल पर्वत पर करोड़ों दामनियों दमक रही हैं। उस पर उनकी भुजा रूपी दो सर्प सुंदर शोभा पा रहे हैं। तब कमर में तरकस कसे हुए लंबी भुजा से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाणों को सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मानो एक सिंह मत वाले हाथियों के झुंड को देख रहा हो। उस समय राक्षसों की सेना अपने बाणों की बागे छोड़कर बड़ी तेजी से टूट पड़ी और धरो धरो चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़े जैसे प्रातःकाल के सूर्य को देखकर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। सब राक्षसों ने घेर लिया। तब वह दंडक बन के सब मृग पक्षी भाग चले, किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसगण ऐसे थकित रह गए कि कोई अपना बाण न चला सके। अपने मंत्रियों को बुलाकर कर्दुषण ने कहा कि ये मनुष्यों से भूषण किसी राजा के पुत्र हैं। हमने बहुत देवता मनुष्य गण नाग असुर और मुनियों को देखा है, सुना है और मारा है, परंतु हे सब भाई सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है तो भी ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यदि ये अपनी छिपाई स्त्री को दे दें तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जागते घर को जाएं। मेरा ये कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो शीघ्र लौट आओ। हे मतिधीर गरुड़ सुनो, ये सब मूल राक्षस काल के वशीभूत हो गए हैं, इसे श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते। भला कहीं मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है? जब दूतों ने जाकर श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहा तब उन्हें सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, आज हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचार किया। हम क्षत्रिय तो वन में आकर शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं तद्यपि राक्षसों के कुल नाशक व मुनियों के पालक तथा दुष्टों को वध करने वाले हैं। यदि तुम्हें शक्ति ना हो तो घर लौट जाओ। युद्ध से विमुख होने वालों को मैं नहीं मारता। युद्ध में चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए, किंतु शत्रु पर दया करना परम कायरता है। जब दूतों के जाकर कहा तो उसे सुनकर कर्दूषण का हृदय अत्यंत दग्ध हो गया। हृदय दग्ध होना था। कर्दूषण महाक्रोधित होकर श्री रामनाथ जी की ओर बोले, हे विकट राक्षस जोदाओ, दौड़ो पकड़ लो। तब सारे राक्षस तरह तरह के शास्त्रों को लेकर दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले अपने धनुष को टंकोर किया जिसके घोर शब्द को सुनकर राक्षसों की सारी सेना बधिर हो गई। उस समय राक्षसों को कुछ भी नहीं ज्ञान ना रहा। फिर तो शत्रु को बलवान जानकर राक्षस अवधान होकर श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक माध्य से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के श्री रामचंद्र जी ने तिल के समान करके काट डाला। फिर अपने कानों तक धनुष की पतंचा को तान कर अपने बाणों को छोड़ने लगे। फिर तो वह विकराल बाण ऐसे चले मानो फुंकार करते हुए बहुत से सर्प जाते हों। तब युद्ध में श्री रामचंद्र जी कुपित हुए तो अत्यंत पैने बाण चले। तब अति वेगवान गान देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़ कर भाग चले। किसी को कोई न संभालना और हे तात भ्रात पुकारने लगे। कोई कहता, खर ने ये क्या किया, इसने तो युद्ध लिया जिससे बाण अत्यंत कराल है, ये काल के समान आकर ग्रस्ता है। फिर तो खरदूषण और त्रिशा तीनों भाई ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह हमारे हाथों से मारा जाएगा। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। हे प्रार्थि, एक तो वह स्वामी के वशीभूत थे और पुनः उनके बड़े भाग्य थे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों से बिना यज्ञ के ही करना चाहते थे, अर्थात मोक्ष चाहते थे। राक्षस अनेक प्रकार के युद्धों को सम्मुख से चलाते, किंतु श्री रामचंद्र जी ने शत्रुओं को क्रोध जानकर अपना धनुष संभाला। फिर तो ऐसे अनेक बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। जहां तहां इनका हृदय शिर भुजा और पैर कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वानों के चलते ही चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते। उनके शरीर सैकड़ों टुकड़ों में कट जाते, किंतु वे फिर भी पखंड करते उठ जाते। फिर तो आकाश में बहुत सी भुजाएं मुंड उड़ने लगे। पक्षी काक गीत गीतड़ आदि कटकटाए कर मांस भक्षण करने लगे। स्वरा कटकटा रहे भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर भरते, बैताल गण वीरों की खोपड़ियों पर ताल बजा रहे, योगिनियां नाच रही, राम जी के पहने बाण राक्षसों को काट कर गिरा रहे थे। राक्षस गण इधर उधर गिरते और उड़कर लड़ते और पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कहते थे।
गीत आंतों को लेकर आकाश में उड़ते हुए मंडरा रहे थे। पिशाच नहीं उन्हीं आंतों को हाथों में पकड़कर दौड़ रहे थे। उस समय संग्राम में ऐसा जान पड़ता था मानो संग्राम में नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंगे उड़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बाणों ने अनेक योद्धाओं को मारे विदारे और बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दल के योद्धाओं को इस प्रकार व्याकुल देखकर खरदूषण त्रिश्रादि योद्धा रणभूमि की ओर विशेष रूप से झुके। फिर तो त्रिशादिक अग्नित राक्षस प्रचंड क्रोध करके बाण शक्ति तोमल फर से शूल और तलवार लेकर एक ही बार में श्री रामचंद्र जी पर चलाने लगे। किंतु श्री रामचंद्र जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा राक्षसों के बड़े बड़े सेनापतियों की छाती में दस दस बाण मारे। तब बाणों से दिखकर योद्धा पृथ्वी पर गिरते फिर उठकर युद्ध करने लगते और मरते ना थे। तब देवता लोग 14,000 राक्षसों से राम जी को अकेला देखकर डरते थे। मुनियों को डरा हुआ देखकर रामचंद्र जी ने ऐसा कौतुक किया कि सब राक्षसों के राम रूप हो गए। तब वह सब आपस में ही लड़ मरे। वह सब राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते और सब निर्वाण पद पाते थे। ऐसे ही युक्ति पूर्वक कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते थे। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके सब देवता विविध भांति के विमानों में सुशोभित होकर अपने अपने लोक को चले गए।